चांद अब हिंदू राष्ट्र होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चांद, वो चांद जहाँ अभी चंद्रयान पहुँचा है, जहाँ भारत ने भी दस्तक दी है, अब वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। असल में आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जी हाँ, ये मांग शुरू हो गई है और ये मांग की है स्वामी चक्रपाणि ने। ये मांग नरेंद्र मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री से की गई है कि चूँकि चांद पर भारत पहुँचा है, इससे पहले कि कोई इस्लामिक कट्टरपंथी लोग वहाँ पहुँच जाए, कोई गजवाए हिंद के लोग वहाँ पहुँच जाए, या फिर कोई जिहादी वहाँ पर पहुँच जाए और वहाँ जा कर के जिहाद करे, वहाँ के एलियन के पास जा कर के तबलीग करने लगे, उससे पहले ज़रूरत यह है कि चंद्रमा को, मतलब कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दी जाए। ये मांग करते हुए स्वामी चक्रपाणि ने आगे बताया कि जिस जगह पर लैंडर जो लैंड हुआ है विक्रम, उस पॉइंट को चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, नाम उसका शिव शक्ति पॉइंट रखा है, इस वजह से उस शिव शक्ति पॉइंट को चंद्रमा की राजधानी घोषित कर दी जाए और चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दी जाए। ये मांग रखते हुए उन्होंने आगे बहुत सारी बातें बताई। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके बाद हो सकता है कि कोई दूसरे लोग कब्ज़ा कर लेंगे। वो दूसरे लोग तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ जो तीसरे का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल पा रहा है कि कहीं मुसलमान लोग ऐसा ना कर दे, कहीं इस्लामिक स्टेट वाले ऐसा ना कर दे, कहीं मुसलमान वहाँ जा कर के जिहाद करना ना शुरू कर दे, वहाँ तबलीग करना ना शुरू कर दे। ये न्यूज़ पढ़ते हुए बहुत हंसी भी आ रही है, लेकिन हंसी को रोकते हुए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बहुत अफसोस भी हो रहा है। ये सोच ऐसी सोच है जो इस देश में नफरत की तरह फैल गई है, और ये स्वामी हैं, स्वामी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये किस तरह के स्वामी हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा करके वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है, अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम, राम राम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बहुत बड़ी गुजारिश की है प्रधानमंत्री जी से कि पूरे चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और सनातनी राष्ट्र घोषित की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि भारत के संसद से ये पारित करवा देना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन स्वामी जी से एक सवाल है, क्या चांद भारत का है? ये बात आपको किसने कही है? क्या आप जानते नहीं हैं कि भारत से ज़्यादा मजबूत देश अभी दुनिया में मौजूद है और उन लोगों के साथ भारत ने ट्रीटी साइन कर लिया हुआ है कि चंद्रमा किसी एक का नहीं हो सकता है, और वाकई ये किसी एक का नहीं हो सकता है। आप अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो करते ही हैं, जो पता नहीं किस हिसाब से आप मांग करते हैं, लेकिन चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र की मांग करना, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन उसके आगे जो स्वामी जी ने बातें कही है कि वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इस देश की नफरत को दर्शा रहा है, और इस नफरत को बरपाने में और इस नफरत को बढ़ाने में इस देश के मुखिया का सबसे बड़ा हाथ है।
अगर नहीं है तो हम देखना चाहेंगे कि कब तक इस देश के मुखिया और इस भारत देश के कई सारे सूबे के मुखिया ये बयान देते हैं कि इस तरह के बातें करना बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी नहीं हुआ है और इस तरह की मांग होती रहेंगी। तो आप तमाम भारतवासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब चंद्रमा हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अफसोस है कि इस पूरे दुनिया में अगर बात की जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये ऑफिशियली बन नहीं सकता है क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। चलिए ठीक है, आप इस कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक पे नहीं बना पा रहे हैं, आप चंद्रमा को बनाइए, घोषित कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। तमाम भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आगे एक चीज़ और बता दें, ये साहब जो है स्वामी चक्रपाणी साहब, उन्होंने ये भी बात बताई कि चंद्रमा जो है वो जो भगवान शिव जी हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनके मस्तक पर विराजमान है, तो इस वजह से शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। आगे इस पे बात नहीं करना चाहूँगा कि उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट ही क्यों रखा गया, क्यों नहीं जिस साइंटिस्ट ने, जिस इसरो के साइंसदान ने वहाँ पर उस लैंडर को भेजा उनके नाम पर कर दिया गया, क्यों नहीं कलाम साहब के नाम पर कर दिया गया। चलिए ठीक है, आपने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है वो वाकई दुनिया वाले जब सुनेंगे तो वाकई इतना हंसेंगे कि क्या कहा जा सकता है, और वो सोचेंगे कि भारत के लोगों की सोच कैसी है। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन लोगों की सोच की समर्थन करते हैं।